दोस्तों पहले मुकाबले के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, रोहित शर्मा ने क्या प्लेइंग 11 बनाई है। प्लेइंग 11 बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एमएस धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, छह बड़े दिग्गज यहाँ पर स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और इसलिए ये मैच इम्पोर्टेंट है, ये प्लेइंग 11 इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पहला मैच टीम इंडिया जीते तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ आईपीएल और क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन को प्रेस करके रख ले। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्या प्लेइंग 11 यहाँ पर रहने वाली है। ओपनर्स के तौर पर नो डाउट रोहित शर्मा, शिखर धवन रहने वाले हैं, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। बात की जाए मिडिल ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर में काफी बड़ा चेंज होने वाला है। नंबर 3 पर केएल राहुल विराट कोहली की जगह पर खेलेंगे, नंबर 4 पर मनीष पांडे, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, ये टॉप 5 बैट्समैन यहाँ पर परफेक्ट है। इनके बाद विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा। जिस प्रकार से सिलेक्टर्स ने कहा था कि एज अ बैकअप संजू सैमसन को ये रखने वाले हैं, तो पहले T20 मैच में ऋषभ पंत खेलने वाले हैं। बात की जाए ऑलराउंडर्स की तो कृणाल पांड्या वाशिंगटन सुंदर है, बॉलर्स की बात की जाए युजवेंद्र चहल, खलील अहमद और दीपक चहर। तो इस प्रकार से पहले मैच के लिए, पहले T20 मैच के लिए प्लेइंग 11 रहने वाली है, परफेक्ट प्लेइंग 11 है। तो वहीं बात की जाए शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, ऐसे प्लेयर्स को यहां पर बैठना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये रहने वाली है प्लेइंग 11 पहले T20 मैच के लिए। आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 बेस्ट रहने वाली है, क्या चेंजेस यहां पर होने चाहिए, क्या ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए, क्या संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आईपीएल अपडेट्स, क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल आइकन को प्रेस करके रख ले, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।